मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपके राज्य में किसान सबसे ज्यादा मजबूर है और उनकी परेशानी हर दिन बढ़ती जा रही है। आपकी कागजी राहतों और जुबानी जमा खर्च ने किसान के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। आप तो किसान मजबूरी में औने पौने दामों में अपनी खून पसीने की मेहनत को बेच रहा है। कांग्रेस वक्त है बदलाव का के नारे के साथ सत्ता में आई और खुद के किसान हितैषी होने का दावा करती रही, लेकिन कमलनाथ जी, सिर्फ एक साल में ही किसान आपकी कथनी और करनी से तंग आ गया है। अन्नदाता परेशान है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपकी सरकार अब किसानों की समस्याएं दूर करने के बजाय अपने एक साल पूरे होने पर खुद की पीठ थपथपा रही है, लेकिन किसान के हालात सुधरने के बजाय बद से बदतर होते जा रहे हैं। अनाज मंडियों में किसानों का धान या तो खरीदा नहीं जा रहा, और खरीदा भी जा रहा है तो वो भी औने पौने दामों में। खरीदार किसान से अनाज तो खरीद लेता है, लेकिन किसानों को उतना दाम नहीं मिलता कि लागत की रकम निकल पाए, जिसके चलते किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। धान 1550 रेट सही मिल रहा है? गलत मिले हैं, वैसे 1800 ऊपर मिलने थे। सरकारी खरीद हो रही है? सरकारी नहीं, अभी नहीं हो रही। सरकारी खरीद के क्या रेट? 1800 ऊपर है। क्यों बेच दी? सस्ती क्यों बेच दी? अब अटका के मारे बेच दी। धान लेके आज क्या रेट बिकी? बिकी 1600 ही कर पाई। क्या कम रेट मिल रहे हैं क्या? रेट जी उठा रहे भाई, उठ रहे अब और कारण रेट। अब सरकारी खुल जाती तो बात दूसरी। सरकारी खरीदी नहीं हो रही है? कहाँ हो रही है? सरकारी क्या रेट है मालूम नहीं, जब रेट ही नहीं यार। 1800 सुपर है धान लेके। क्या रेट थी? 1400 कमी नहीं है कि कच्चू मानो 1400 की बिकी। अच्छा माल है ले। अरे एक नंबर जो देखो तो क्या रेट मिलना चाहिए? तो 2000 नहीं मिल रहे, 17-18 तो कम से कम मिलना ही चाहिए। सरकारी खरीद चालू हुई नहीं हुई? नहीं हुई अब सरकारी खरीद नहीं है। अब डीएपी ले अभी चाहिए भाई, तुम बताओ। यूरिया अरे जरूरत, हाँ और बाग को फायदा ले रहे हैं जी बहुत ज़्यादा। कौन ले रहा है फायदा? अरे ये प्राइवेट खरीद। गाडरवारा में भी किसानों का यही हाल है। एक तो भाव नहीं मिल रहा, ऊपर से अगली फसल की बुआई करने की चिंता। ऐसे में किसानों के पास अपनी फसल कम दाम पर बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि अगर किसान ने ऐसा नहीं किया तो पैसों की कमी की वजह से अगली फसल की बुआई में देरी होगी। धान लेके आए, क्या रेट बिकी है? 1660 बिकी। तो क्या सही रेट मिल रहे हैं? अरे 18 तो बिके कम से कम, 18-19 का भी नहीं, 660 ले रहे, 1800 से ऊपर खरीद। तो सरकारी खरीद ही नहीं हो रही? अब नहीं हो रही, चालू नहीं भाई। जल्दी क्यों बेच रहे हैं? अब खर्चा लगा हम धान लेके आए साहब। क्या रेट में? हमारी 1431 ही बिकी है। तो कम रेट मिले? बहुत कम रेट मिले। क्या मिलना चाहिए? अरे कम से कम 18-19 तो बिकना थे, 18 ही से बिकती, वो सरकारी रेट से थोड़ी बहुत कम बिकती तो अभी चलता। वो सरकारी खरीद चालू नहीं हुई? अभी सरकारी खरीद चालू नहीं हुई है। क्या बोल रहे हैं? अब ये 2 तारीख के बाद, पहले 25 नवंबर से सुनी थी, अब 2 दिसंबर से बोलना सुन रहे हैं। मजबूरी में बेचना पड़ रहा? मजबूरी में बेचना पड़ रहा भाई, खाद भी सब भी लेना है ना, खर्च पानी भी लेना, मजदूरों की कटाई भी देना है ना, थ्रेसरिंग बारों की कटाई भी देना है। अगर प्रति एकड़ में बात की जाए तो धान उगाने में लागत मूल्य लगभग 3 से 4 हजार आता है, साथ में किसान की मेहनत जोड़ दी जाए तो आंकड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इतना करने के बजाय किसान को उसकी फसल की कीमत महज 1500 से 1600 ही मिल पा रही है। ऐसे में फायदा तो दूर की बात है, लागत भी निकलती नहीं दिखाई दे रही। और उधर कमलनाथ जी, आपकी सरकार किसानों को बेहतर सुविधाएं देने और हर मुमकिन मदद का राग अलापते फिर रही है। किसानों की माने तो मंडी में कोई सुविधा भी नहीं है। निश्चित ही किसान बहुत परेशान है, क्योंकि पहले सुना था 25 तारीख से खरीदी शुरू हो रही है, लेकिन अभी तक नहीं हुई, और किसान मजबूरी में मंडी में बेचने के लिए जा रहा है, जहाँ कि उसको कोई भाव नहीं मिल रहा है।
तो किसान दोनों तरफ से परेशान है कि इतनी धान को रखे कहाँ, क्योंकि अभी तक खरीदी के बाद पैसे मिलते थे तो वो अपनी भविष्य की बौनी और बखरनी के लिए भी उसका इंतजाम हो जाता था। लेकिन इस बार ना उसके पास पैसा है, ना वो आगे की बौनी कर पा रहा है और ना ही खेती का कोई काम आगे बढ़ा पा रहा है। किसान को मार्च के बाद सिर्फ धान का पैसा मिलता है और लगातार अगर किसान को 6-7 महीने पैसा न मिले तो उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है और इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। किसान की खरीदी जल्दी से जल्दी शुरू हो और उसका भुगतान भी जल्दी से जल्दी हो। इन सब समस्याओं के तर बेफिक्र प्रशासनिक अधिकारी बात को हल्के में लेते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ा दी गई है, जल्द ही किसानों की धान की खरीदी शुरू की जाएगी, लेकिन जब तक अधिकारी और सरकार जागेंगे तब तक किसान बर्बादी की कगार तक पहुंच जाएगा। देखिए, 2 दिसंबर से डेट निर्धारित हो गई है, हमारे यहाँ धान खरीदी शुरू हो जाएगी। तहसील गाडरवारा में 23 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं जहाँ खरीदी की जाएगी, तो ये समस्या जो अभी आ रही थी धान खरीदी की वो दूर हो जाएगी। सारी तैयारियां खरीदी केंद्र पर हमने शुरू कर दी हैं, इसमें चाहे बारदाने की हो चाहे तोलकाटे की हो, सारी समस्याएं अभी भी वर्तमान में जो हमारे खरीदी केंद्रों पर निरीक्षण किया जा रहा है और जो कमियां हैं अभी से दूर की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। कमलनाथ जी, आपके अधिकारी भी आपकी तरह कुछ भी बोल दें लेकिन इन किसानों का क्या गुनाह जो अपने खून पसीने की मेहनत को अपनी आंखों के सामने औने पौने दामों में बेच रहे हैं। कमलनाथ जी, वक्त रहते अपने सिस्टम को ठीक कर लीजिए और अन्नदाताओं की सुध लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसानों की नाराजगी भविष्य में आपको भारी पड़ जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।